रिकॉर्डिंग ओके। सबसे पहले आई वांट टू शेयर द स्क्रीन विद यू। ये आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस ठीक है, यस सर। तो दिस इज सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम है इसका पुराना। इसका नाम, अगर सिमिलर नाम की बात करें तो इसको अप्लाइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स वन ऑफ द सेम थिंग। कोई किताब अगर अगर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से मिलती है तो, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से मिलती है तो एक ही बात है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर बोथ आर सिमिलर, नेम अलग अलग है, अभी नया नाम चेंज किया, पहले इसको अप्लाइड मैकेनिक्स ही कहते थे। सो दिस इज योर सिलेबस। सिलेबस की कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है वैसे। ओके, इसके यूनिट है 1, 2। सेकेंड, फर्स्ट यूनिट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड लॉ ऑफ फोर्सेस। यूनिट 2 इज मोमेंट ऑफ फोर्सेस। यूनिट 3 इज फ्रिक्शन। एंड यूनिट 4 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूनिट 5 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट 6 इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। ओके, ये 6 यूनिट्स हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा एनालिटिकल सब्जेक्ट है। एनालिटिकल मीन्स थोड़ा सा, ये इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, समझने का सब्जेक्ट है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम पहला चैप्टर शुरू करें, ओके, दैट इज इंजीनियर मैकेनिक्स एंड लॉ ऑफ फोर्सेस। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वैसे तो अप्लाइड मैकेनिक, ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैं अप्लाइड मैकेनिक्स बोलूँ तो वन ऑफ द सेम थिंग्स। अगर इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखा जाए तो मोस्टली सारी ब्रांचेस कवर करती हैं। मैकेनिकल भी करती है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था। ओके, तो ये काफ़ी सब्जेक्ट्स, काफ़ी हर एक ब्रांच में पढ़ाया जाता है। डिग्री में तो हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है, हर ब्रांच इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल में भी पढ़ाया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सिविल इंजीनियर ऑल्सो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो है, हमारी सारी जो इंजीनियरिंग है वो फोर्सेस या लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द बेसिक सब्जेक्ट फॉर अस। एक सिविल इंजीनियर के लिए ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इस बेसिक सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, और इसके ये सब्जेक्ट आने के बाद ही आप जो अगले स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे या फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो जो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपके ये सब्जेक्ट क्लियर होगा तो आगे आपको पढ़ने में, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी। तो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, जहाँ 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 समझ नहीं आएगी वहाँ हम बैठे हैं, तो ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। वट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज नथिंग, ये जबकि ये एक सब में पढ़ाई जाती है जैसे मैंने बोला। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सारे जितने भी आपके मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या साइंस है, उसकी एप्लीकेशन है। तो ये हमारे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जब हम एनालिसिस करते हैं किसी स्ट्रक्चर का, एनालिसिस का मतलब है जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए बिल्डिंग है, तो अगर देखते हैं किस में कॉलम में कितना लोड आया, ओके, फाउंडेशन तक कितना लोड आया, कितनी लोड मींस फोर्स, फोर्स और लोड एक ही बात है। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, हम इसे फोर्स कहते हैं। ओके, आगे आप इसी फोर्स को लोड की तरह पढ़ेंगे, मतलब कोई भी लोड है दैट इज ऑल्सो ए फोर्स। तो फोर्स और लोड इज सिमिलर थिंग। तो जैसे बिल्डिंग है उसका अपना लोड भी होता है, अपनी फोर्सेस भी होती हैं, हवा में भी फोर्स होती है, अर्थ सर, इसमें एक की। रजिस्टर लगा लें? सर, हाँ जी, इस सब्जेक्ट में एक रजिस्टर लगा लें तब तक? और ये तो आपका बेसिक है। आपको मतलब जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपको चाहिए कि जब भी क्लास लें तो आप एक कॉपी पेन जरूर साथ रखिए। ओके, ये मैं आपको पीडीएफ भी जो दिखा रहा हूँ वो पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा आपको। ओके, तो लेकिन उसकी जो कॉपी किताब को साथ लेके बैठिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सबके लिए जरूरी है।
आप फोर्सेस का खेल है ये सारा। ओके आस्ते आस्ते हम सीखेंगे फोर्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे। ओके तो ये सारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बेसिकली फोर्सेस है। ओके तो अभी अभी हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिवीजन कौन से हैं। ओके अगर इसके डिवीजन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करें, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स के आगे दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है? ओके स्टैटिक्स होता है, मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं आप। ओके अगर आप किसी बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हैं, किसी बॉडी पे फोर्सेस लगाते वक्त आप देखते हैं कि बॉडी पे जो हम फोर्सेस का अध्ययन करते हैं सिर्फ, बॉडी का अध्ययन नहीं करते। ओके बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम मींस वो अपने स्टेट में हिल भी नहीं रही, मतलब उसमें जैसे बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। ओके तो लेकिन वो हिल नहीं रही, अपनी जगह पर ही है, तो दैट इज स्टैटिक्स। कोई भी बॉडी जैसे अपनी जगह से जब हिलती नहीं है, ओके अंडर द इक्विलिब्रियम रहती है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। ओके जैसे अगर आप देखें, ओके इस पे इधर कर देता हूँ। ओके स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एट रेस्ट। ओके बॉडी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम। ओके फोर्सेस तो लग रही है बॉडी पे, लेकिन बॉडी अपनी जगह से चेंज नहीं कर रही मोशन। जनरली क्या होता है, जब फोर्स लगती है तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है या मोशन में आ जाती है, और मोशन में अगर एक्ट करे तो उसके रेस्ट में आ जाती है। लेकिन जो स्टैटिक्स का केस है, सिर्फ हम फोर्सेस को ही डिस्कस करते हैं, उसकी बॉडी की मूवमेंट पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रस है, ट्रस में कोई बिल्डिंग ही समझ लीजिए। ओके वो लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती उसमें, बिल्डिंग में फोर्सेस लग रही है लेकिन मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक्स है। ओके दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, नो मोशन। ओके इक्विलिब्रियम, रेस्ट, पोजीशन नॉट चेंज। ओके दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक्स, फोर्सेस लग रही है उस पर। ओके कहने का मतलब है जितनी फोर्सेस अगर आप बॉडी में एक अगर हम देखें सिंपल तरीके से अगर देखें अगर मान लीजिए ओके ये एक बॉडी है। सर एक बुक का नाम बता देना, एक एडिशनल बुक बाय कर लेंगे। बुक्स तो बहुत सारी हैं बेटा, बुक्स का तो सबसे पहले बुक्स तो आप ले लेंगे। ओके ये बंद हो जाएगा। ओके ये कौन कर रहा है यार? ओके ये बॉडी है मान लीजिए। ओके दिस इज अ बॉडी, अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं, एक फोर्स इधर लगा दूं पी और एक फोर्स मैं इधर लगा दूं, सेम फोर्स। ओके तो क्या होगा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम क्योंकि जो है फोर्सेस दोनों तरफ बराबर है। ओके अगर ये दिस इज देयर इज अनदर फोर्स, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बॉडी में फोर्सेस तो लग रही है लेकिन इस पर कोई मोशन नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके देयर इज नो मोशन। सर ब्लैक स्क्रीन शो हो गया आपकी। ओके हाँ तो ये स्टैटिक्स है। आप क्या बोल रहे थे, ब्लैक स्क्रीन क्या कर रहे थे? नहीं सर वो बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। ओके ये ब्लैक स्क्रीन थी तो ये अब ठीक है। ओके ये जो बॉडी है, ओके जैसे स्टैटिक्स मतलब बॉडी में कोई भी रेस्ट पे है, मतलब हम फोर्सेस की बात करेंगे सिर्फ, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का एग्जांपल एक बिल्डिंग है या स्टीम स्ट्रक्चर मोस्टली डैम है। ओके डैम में बहुत सारी फोर्सेस लगती है लेकिन डैम अपनी जगह से हिलता नहीं है। ओके दैट इज द स्टैटिक्स। ओके दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, ओके डायनेमिक्स में क्या होता है कि इसमें फोर्सेस भी एक्ट करती हैं और उसमें बॉडी में मोशन भी होता है।
ओके तो दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स. डायनेमिक्स के दो पार्ट है काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में क्या होता है जिसमें हम सिर्फ वी डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी एंड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द मोशन. हम इसमें मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं. मान लीजिए लिफ्ट है. ओके लिफ्ट क्या हो रही है, इट इज मूविंग. उसमें फोर्स भी लग रही है लेकिन वो मूव भी कर रही है. तो हम लिफ्ट में जब बात करते हैं तो फोर्सेस की बात भी करते हैं और उसके मोशन की भी बात करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स. एक होता है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होता है, वो सिर्फ हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं. ओके उसमें ये नहीं बात करते कि फोर्सेस कहाँ से लग रही है. जैसे कि मान लो पानी का आपने मोशन लेना है. ओके तो हम सिर्फ मोशन की बात करेंगे, हम फोर्सेस की बात नहीं करेंगे कहाँ से फोर्स लग रही है. दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स. ओके दैट इज एक डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन भी कंसिडर करते हैं फोर्स भी कंसिडर करते हैं. दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स. और काइनेटिक्स में हम सिर्फ काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज द डिविजन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है लेकिन उसकी ब्रांचेस हैं ये स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स में मोशन नहीं होता, डायनेमिक्स में मोशन भी होता है फोर्स भी होता है. काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन होता है और काइनेटिक्स में मोशन भी होता है और फोर्स दोनों होते हैं. ओके दिस इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. लेकिन जो आपके केस में है अभी जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी में वो केवल स्टैटिक्स पार्ट पढ़ेंगे, केवल ये वाला पार्ट पढ़ेंगे. ओके स्टैटिक्स वाला. We will not study the another part. Statics के types नहीं है. हाँ जी. Statics के branch नहीं है. Statics. Statics की बात नहीं है. Statics एक ही है. Okay. Dynamics में दो branch है. Kinetics and kinematics. Kinetics में force and motion दोनों. Kinematics में सिर्फ motion. Okay. Lift is a example of kinetics. एक lift अगर चल रही है उसकी हम motion भी होगा उसमें force भी लगेगी. तो we will talk in terms of जैसे मान लीजिए किसी पे मैंने फोर्स लगाई और बॉडी डिफॉर्म हो गई. डिफॉर्म का मतलब वो फैल गई या सिकुड़ गई या उसमें डिफॉर्मेशन आ गई, टेढ़ी हो गई या ब्रेक हो गई. दैट इज कॉल्ड दी, दैट इज नॉट अ रिजिड बॉडी. ओके दैट इज कॉल्ड दी इलास्टिक बॉडी. रिजिड बॉडी वो होती है जो फोर्सेस लगाए तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो. दैट इज कॉल्ड दी रिजिड बॉडी. ओके रिजिड बॉडी में जो होता है कि अब डिफॉर्मेशन, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिजिड हो, कंप्लीट रिजिड हो. हर एक बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म होगी. लेकिन जब हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि we consider the body as a rigid body. We don't consider as a body as a elastic body. So applied mechanics सिर्फ rigid body पे ही apply होती है. Apply क्या हम पढ़ते ही इस हिसाब से है कि हम ये मान के चलते कि body rigid है. और दूसरा ये बात भी सच्चा कि nature में कोई भी body perfectly rigid नहीं है. Okay, हर एक में कुछ ना कुछ deformation होती है जब उस पर कोई force लगती है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर ओके स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली. ओके जैसे लेंथ है, लेंथ 5 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. ओके दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. मास है, 5 किलो है, 8 किलो है, 10 किलो है, स्केलर क्वांटिटी. Sir, your voice is not clear. Okay, temperature है. Temperature का एक reading है जैसे 25 degree Celsius temperature है. तो इसकी कोई direction नहीं है. Sir, ये सब तो बिल्कुल physics से ही similar है, बिल्कुल वही लग ही रहा है. हाँ, correct. सर वाइब्रेशन से हो रहा है कुछ? हाँ ये वाइब्रेशन चल रहा है ना,
तो उस वजह से चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। एनीवे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई बात नहीं। ओके, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे पैटर्न, मेरी बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ओके, वॉल्यूम है, इस बाल्टी में 25 लीटर पानी आता है। ओके, दैट इज इट, ओनली ओनली एक मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे जो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। दूसरी अनदर टाइप ऑफ क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे फोर्स। ओके, मैं कहूँ एक फोर्स 5 किलो न्यूटन है, ओके, तो बात पूरी नहीं होती, मेरे को उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी जो हमने देखा था, ओके, तो फोर्स की, जैसे दिस इज फोर्स, तो ये डायरेक्शन होती है। ओके, एरो भी लगाई थी हमने, और इसको मैंने कहूँ 5 किलो न्यूटन ये फोर्स है। सर ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, सर ये ही नहीं दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते ही ये अपना ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। अच्छा, ब्लैक, ओके ओके, मैं चेंज करता हूँ इसको। ओके, इसको बंद करके अभी सर, ओके, जैसे अगर आप बताना दिख रहा है, नहीं दिख रहा। Okay. Yes, sir, अब तो आप दिख रहे हो, ये है। स्क्रीन शेयर आपका ऑफ हो गया। अब दिख रहा है, हेलो। यस सर, यस सर। ओके, दिस इज, जैसे एक फोर्स है, ओके, दैट इज 5 किलो न्यूटन, लेकिन 5 किलो न्यूटन फोर्स को तो बात पूरी नहीं होती जब तक मैं इसको बताता हूँ ये फोर्स ऐसे है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। जब तक मैं ऐसे डायरेक्शन नहीं बताऊँ तब तक 5 किलो न्यूटन की फोर्स है तो वो मतलब नहीं बनता। तो जिस क्वांटिटी में, ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, दैट इज कॉल्ड दी जिसमें दोनों चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड दी ओके, जैसे भी किसी भी क्वांटिटी में, जैसे अगर वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, अरे गुरु गुरु बन कर, सर की वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही है यार। ओके, किसी भी क्वांटिटी में जब भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, सच एज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम। ओके, ये सब वेलोसिटी क्या होती है आप बताएंगे? हेलो, व्हाट इज वेलोसिटी? Anyone? Okay, what is total it? Displacement covered with respect to time? Displacement, you are both a chimney, also distance upon time. Okay, displacement upon time is called the velocity. Okay, acceleration kya hota? बताओ कोशिश करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
नहीं तो बाकी मतलब किस रेट से वो चेंज हो रही है बस थोड़ा और अच्छी तरह बताओ सर। मतलब एक इसकी एक इनिशियल स्पीड होगी, उसके बाद वो चेंज होके थोड़ी सी बढ़ गई स्पीड, फिर जितना टाइम लगा उसको तो जो फाइनल स्पीड है उसमें से इनिशियल को माइनस करके और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा कि कितने मीटर से पर सेकेंड में वो चेंज हो रही थी स्पीड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। ओके इनका कहना बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम पर वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना आप देखेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। ओके दैट इज बेसिकली इट इज एक्सीलरेशन, क्योंकि स्पीड इज इंक्रीजिंग। जब स्पीड कम होती है तब उसे क्या कहते हैं? डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके ओके दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये हमारी फोर्स, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। आपने पढ़ा ही होगा ये स्केलर क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, जिसमें कोई डायरेक्शन का कोई मेजर कर सकते हो स्केलर। हाँ जी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ओके दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। ओके मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ दैट आई हैव मेरा जैसे लेंथ का कोई यूनिट ले लीजिए, मेरे पास एक थ्रेड है जिसकी 5 मीटर डायमेंशन है। ओके इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट, मेरा मास, वेट नहीं मास, वेट में फिर फोर्स लग गई, ओके डायरेक्शन आ जाती है। ओके दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हम जो स्केलर और वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी होगी वो आइदर वो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। ओके अनदर इज, अब हम अगला पार्ट करते हैं दैट इज फोर्स। ओके जैसा भी आपने बताया एक्सीलरेशन, ओके जैसे आपने बताया ना एक्सीलरेशन, मुझे समझाया कि पहले स्पीड कम थी फिर फाइनल स्पीड होगी। जब स्पीड क्यों चेंज होती है, अभी क्यों चेंज होगी स्पीड, उसका कारण क्या था? उस पे कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। यस बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो भी मोशन स्टेट है वो तो या तो मोशन उसमें चेंज आ जाएगा। ओके उसमें कोई चेंज आ जाएगा, या तो वो रुक जाएगी या वो स्पीड तेज जाएगी। देन वी अप्लाई ए फोर्स, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब अगर रेस्ट है, रुकी हुई है तो स्पीड आ गई, कम है तो चली गई स्पीड। दैट इज द एक्शन ऑफ फोर्सेस, राइट। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में कोई चल रही है तो क्या उस पर कोई फोर्स लग रही है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है मान लो किसी किसी बॉडी की, तो उस पर फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, आप क्या कहेंगे? लग रही होगी सर। नहीं लग रही। ओके लग रही है तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को करने के लिए, मान लो फ्रिक्शन लेस प्लेन है, ओके इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन यू कैन से इसमें फोर्स नहीं लग रही। ओके मान लो किसी गाड़ी को आपने चलाया कुछ टाइम बाद रुक जाती है अपने आप। ओके क्यों रुकती है वो? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करते हैं। नहीं ब्रेक नहीं अप्लाई किया हमने, उसमें रिटार्डेशन आ जाता है। क्यों आता है वही तो पूछा है। अगर माने एक बॉल है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन, ओके फ्रिक्शन इज आल्सो ए फोर्स जो उसको उसको खत्म कर देती है मोशन को। ओके तो दैट इज फोर्स, फोर्स को आप खत्म कर देते हैं। अगर फोर्स को आप खत्म कर देते हैं जब फोर्स जो अप्लाई करते हैं मोशन को चेंज कर देती है, वो फोर्स या तो मोशन होगा तो उसको खत्म भी कर सकते हैं, मतलब मोशन खत्म कर रेस्ट पे ला सकती है बॉडी, और रेस्ट पे लगाओगे किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो मोशन हो भी सकता है। ओके दैट इज अ फोर्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। तो दो फॉर्म होती है फोर्स की, वन इज पुल अनदर इज पुश। ओके
force changes the state of the body by bringing motion in the body. Force changes the motion of the body by reducing or increasing. Force is pull or push. Direction is always from the point of application is considered as pull. If the direction is towards the point of application is called the pull. अगर देखे मान लें, okay, अगर हम ये ओके ये नजर आ रहा है आपको किसी ने बदमाशी कर दी हाँ सर आप सेटिंग चेंज कर दो ना क्या सेटिंग चेंज करूं उसमें एक ऑप्शन रहता है कि कोई भी एनोशिएट करेगा तो उसका नाम आ जाएगा चल मैंने कौन सा यार तुम्हें कोई सजा देनी इट इज मैटर ऑफ कि तुम्हें समझना चाहिए जो भी कर रहा है कि भाई ये देखो ओके ओके मान लीजिए मैं फोर्स है फोर्स में अरे मान लो बॉडी है ओके दिस इज बॉडी फोर्स इज अप्लाई लाइक दिस दिस इज कॉल्ड द पुश ओके और अगर फोर्स ऐसे लगी ओके अवे फ्रॉम द पॉइंट दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिस इज कॉल्ड द पुल ओके पुल एंड एंड पुश ओके पुल एंड पुश फोर्स या तो पुल होगी या पुश होगी ओके जैसे फोर्स किसी भी फोर्स को दिखाएंगे तो ये एक लाइन से दिखाते हैं ओके और उसके आगे एक एरो हेड लगाते हैं ये लाइन की जो लंबाई होती है अगर मान लो स्केल है 1 kN = 1 cm तो इस लाइन की लंबाई को हम 5 cm ड्रॉ करेंगे ओके आगे एरो लगा देंगे ओके दिस एरो शोज द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरो शोज द मैग्नीट्यूड ओके सच ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द वेक्टर ओके किसी भी फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइन से लाइन का एंगल भी बता देते हैं अगर आप शायद आगे दिखाए हुए दैट इज अब आप लोग दोबारा ज्वाइन करें हेलो आपको आवाज आ रही है मेरी चलो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए इसको ओके अभी टाइम खत्म हो गया दोबारा ज्वाइन कर लीजिए हेलो हाँ जी बोल रहा हूँ